हे फूडीज, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही ट्रेडिशनल सी मिठाई बना लेंगे जिसका नाम है नारियल पाक। जी फ्रेंड्स, ये इतनी अच्छी और झटपट बनने वाली मिठाई है। सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स हम इसको बना लेंगे, एक तो नारियल और एक चीनी, और इतना ही ज़्यादा टेस्टी और शानदार इसका फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। खाने में बहुत ही मज़ेदार और झटपट से मिठाई बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना नारियल पाक। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं नारियल पाक बनाना। नारियल पाक बनाने के लिए मैंने ये एक गीला नारियल लिया है। मैंने पूरा एक नारियल ले लिया है गीला। आप चाहें तो सूखे नारियल से भी बना सकते हैं। उसका पीछे का पूरा ब्राउन पोर्शन हमने कद्दूकस करके या काट के इस तरीके से निकाल लिया है। बिना काटे भी आप यूज़ में ले सकते हैं, बट इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है काट के। अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे पतली वाली साइड से। तो फ्रेंड्स देखिए, पतली वाली साइड से मैंने कद्दूकस इसे कर लिया है। इस तरीके से पूरे नारियल को ग्रेट कर लेना है। अब हम इसे भून लेंगे 4-5 मिनट के लिए गैस पे। तो फ्रेंड्स, ये कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे ग्रेटेड वाले कोकोनट जो हमने ग्रेट किया था। अब फ्रेंड्स, हम इसे भून लेंगे 4 मिनट तक। हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, हम सिर्फ इसे इसलिए भून रहे हैं ताकि इसकी कच्ची स्मेल चली जाए, और ये भुनने से और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है फ्रेंड्स, और इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है ना वो भी बढ़ जाती है। हम इसे ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व कर सकते हैं, और ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा स्वाद में भी चेंज हो जाती है इसे भुनने से। तो इसलिए हम इसे 4 मिनट तक भून लेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसका भुनने से। कलर हमें इसे चेंज नहीं करना है, तो लगातार इसे भुनने 4 मिनट तक। अब फ्रेंड्स, नारियल को भुनते हुए 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ फ्लेम ऑफ करके। अब आगे हम जो हैं खस के दाने उन्हें भुन लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हम एक कढ़ाई लेंगे, उसी कढ़ाई के अंदर अब हम है जो पॉपी सीड्स कहते हैं इसे, ये मैंने 1/4 कप लिया है। इसे हम खस के दाने भी कहते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल हो घर में तो इस मिठाई में ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर ना हो तो ना डालें, पर डालने से बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। इसको भी भून लेंगे हम 2-3 मिनट तक, और ये हम कोकोनट में ऐड कर लेंगे, तो इससे बहुत ही बेहतरीन बनेगी हमारी मिठाई की, मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये 3 मिनट हो गए हैं, हमारे खस के अच्छे से जो हैं ये भुन चुके हैं। अब हम इसे नारियल में ऐड कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हम हमारे नारियल पाक की चाशनी तैयार कर लेते हैं। ये हमने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने ये पूरा 1 कप जो है चीनी डाली है। जिस कप का आप मेजर लेंगे उसी कप से आपको पानी लेनी है। इसमें हमको एक तार दो तार की नहीं बना रहे हैं, बस हम चाशनी बनाएंगे। तो ये 1 कप मैंने ली है, कम से कम 300 ग्राम के करीब है हमारी चीनी, और उसी कप से मेजर से 1/3 कप मैंने पानी लिया है। फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट एकदम ध्यान रखें, 1 कप चीनी और उसी कप का 1/3 आपको इसके अंदर पानी डालना है। अब इसे मिक्स करते रहें जब तक ये चीनी पूरी डिसॉल्व हो जाए। हमें इसे चलाते रहना है, इसे डिसॉल्व कर लेंगे पूरा। ये चाशनी बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड, बस मेजरमेंट एकदम सही होना चाहिए। 1 कप चीनी और उसी कप से 1/3 कप पानी, ये बिल्कुल ध्यान रखें। तो इस तरीके से इसे चलाते रहेंगे लगातार। अब जब तक ये हमारी घुल रही है, हम नारियल पाक को डालने के लिए प्लेट ग्रीस कर लेते हैं। मैंने घी से प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लिया है इस तरीके से। इसमें हम हमारे नारियल पाक को जो है वो जमा लेंगे, सेट हो कर लेंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, जब तक हमने ये एक जायफल लिया है, इसको नटमेग भी कहते हैं, ये एक जायफल ले लेंगे। इसका आधा मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया था, बारीक वाले कद्दूकस से आप इसे कद्दूकस कर लें। अगर ये हो तो जायफल आप जरूर डालें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है हमारी मिठाई में, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब फ्रेंड्स, हमारी चाशनी में देखिए अच्छे से चीनी डिसॉल्व हो गई है। इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमको चाशनी करनी है। ये देखिए एंड तक एक एक ड्रॉप किस तरीके से इसमें गिर रहा है, बस यही कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। ये हम हमारे नारियल पाक में ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से चाशनी पूरी प्रिपेयर हो गई है। अब इसमें हम हमारे नारियल पाक और साथ में जो पॉपी सीड्स थे वो दोनों हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये सारे मैंने मिक्स कर लिए हैं, और अब हम इसे जब तक हिलाएंगे तब तक ये पूरी चाशनी इसमें डिसॉल्व ना हो जाती है। इस तरीके से इसे चलाते रहें। और अब फ्रेंड्स, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारा जायफल जो हमने घिस के रखा था। इससे बहुत ही बेहतरीन खुशबू आएगी और बहुत ही टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये मैंने इलायची जो है वो दरदरी कूट ली थी, 5-6 इलायची, वो भी इसमें डाल लीजिए। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है नारियल पाक में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा जो है हमारे नारियल ने अच्छे से इस चीनी को जो है चाशनी को वो सोख लिया है। अब लगातार इसे चलाते रहेंगे जब तक ये चाशनी पूरी पी ना ले। इस तरीके से 3-6 मिनट तक फ्रेंड्स चलाते रहना है। बाद में फ्लेम ऑफ कर दें और लगातार 2-3 मिनट तक और चलाते रहें, तब तक ये पूरा चाशनी और ये नारियल दोनों एक दूसरे में मिल ना जाए। अभी तक ये थोड़ी अलग अलग दिख रही है मुझे चाशनी इसमें, तो मैं इसे लगातार चलाती जाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, द सिबलिंग्स किचन को, और ज़रूर बेल बटन दबाएँ ताकि हम ऐसी और भी वीडियोज़ आपके साथ लेके आ सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से जो है नारियल और साथ में चाशनी मिल चुके हैं। अब ये हमारा नारियल पाक एकदम बन के तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे प्लेट में अब निकाल लेती हूँ।
इस तरीके से हम इसे निकाल लेना है और 5 मिनट के लिए इसको अब अच्छे से सेट कर देंगे। इस तरीके से स्पैचुला की मदद से आप इसकी शेप बना दीजिए और इसे प्लेट में अच्छे से दबा दबा के सेट कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप भी ये रेसिपी घर पे बना के ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और झटपट सिर्फ 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। अब फ्रेंड्स, ये 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें जो है चक्कू से मार्क बना लेते हैं, क्योंकि बाद में इसके अंदर फिर ये टाइट हो जाता है तो मार्क नहीं बन पाते हैं, तो इसलिए हम पहले इसमें मार्क्स बना देंगे और उसके बाद इसे 30 मिनट के लिए अच्छे से सेट होने देंगे। तो फ्रेंड्स, 30 मिनट हो चुके हैं, ये हमारा एकदम नारियल पाक अच्छे से सेट हो गया है, ये बिल्कुल जम चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे, ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी सी, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से, नारियल से और चीनी से, हमने ये झटपट से सिर्फ 10 मिनट में इतनी टेस्टी सी मिठाई बना ली है। किसी भी भगवान को भोग लगाने के लिए भी एकदम परफेक्ट मिठाई है, कभी भी मीठा खाने की इच्छा हो तो भी एकदम परफेक्ट मिठाई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।